व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकल ऑफ अ कॉन्वेक्स। अब देखो जो कॉन्केव मिरर होता है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखती हूँ, पोल होता है ये और फोकस ये और सी, इन दोनों के बीच में रखती हूँ, तो कहाँ बनती है इमेज? वर्चुअल बनती है, पीछे बनती है और एनलार्ज बनती है। तो वर्चुअल बनेगी एंड इरेक्ट बनेगी, रियल एनलार्ज नहीं बनेगी। रियल तो बनेगी ही नहीं, वर्चुअल और डिमिनिश मीन्स छोटी तो बिल्कुल नहीं बनेगी। तो ये हमारा हो गया राइट ऑप्शन। साइन माइनस ऑब्जेक्ट इधर है, एफ इधर है और ये प्लस, ठीक बिल्कुल। नेक्स्ट, लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स, ये एनर्जी फ्लक्स के भी हमारा पीछे भी एक क्वेश्चन आया है, शायद आई गेस ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। हाँ बेटा ये रिपीट हो गया है, तो ये क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स क्या है ये रहा, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है एंड एच, एच कहां पर है ये रहा। डायग्राम में तो हमें क्या क्या गिवन है, अच्छा ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, कितनी हाइट है ऑब्जेक्ट की? 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट पोल से कितनी दूरी पर है? 15 सेंटीमीटर, तो माइनस के 15 क्योंकि ये कॉनकेव है। फोकल लेंथ हमारी कितनी गिवन है? टोटल सेंटर से मेरी 10 है, तो फोकल उसकी हाफ हो जाएगी, तो एफ क्या हो जाएगा? आर अपॉन 2 मीन्स 10, बट लेकिन इधर साइड है हमारा लेफ्ट साइड, तो माइनस 10। अब मुझे निकालना क्या है, इमेज की हाइट निकालनी है और इमेज की वही सेम निकालना है, वी निकालना है, वी को ही इसमें क्या बोला है एक्स, और मुझे और क्या फाइंड करना है, हाइट एच टू फाइंड करनी है, इमेज हाइट जिसको इसमें बोला है एच। तो मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, 1 upon f = 1 upon v + 1 upon u, तो -1/10 = 1/v - 1/15, -1/10 + 1/15 = 1/v, 30 (10, 3 = 15, 2 = 1/v, तो v हमारे पास आ गया -30 सेंटीमीटर। v आ रहा है माइनस के 30, बेटा यहाँ पे माइनस होगा, इसको चेंज कर लेना कन्वेंशन को, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन हमारा करेक्ट आ रहा है, और हाइट आप निकाल दीजिएगा, भी पीछे कराया है -v/u = h2/h1, कितनी बार कर चुके हैं तो आप खुद निकालिएगा। नेक्स्ट, अ लिटिल कैंडल 4.5 सेंटीमीटर इन साइज इज लोकेटेड, मींस हाइट h1 ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है, उसको कहाँ लोकेट किया है हमने? 30 सेंटीमीटर पे, कॉन्केव मिरर से, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है? 42 सेंटीमीटर रेडियस है, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, बट कॉनकेव है तो नेगेटिव आएगी। डिस्टेंस निकालनी है मिरर की, फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी लोकेटेड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। शार्प इमेज के लिए स्क्रीन को मैं मिरर से कहां रखूं कि मुझे एक शार्प इमेज मिले, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या चाहिए होगा, वी निकालेंगे, लिटिल कैंडल 4.5 सेंटीमीटर इन साइज इज लोकेटेड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 42 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी लोकेटेड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। तो अब देखो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। तो मिरर फॉर्मूला लगाने के बाद, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u, फोकल लेंथ हमें गिवन है, v हमें गिवन है, जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो v की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस के 70 सेंटीमीटर, मीन्स 70 सेंटीमीटर, सॉल्व कर लेना बेटा आ जाएगी। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर फिर से रेडियस ऑफ कर्वेचर है 15, तो हमारे पास फोकल लेंथ हो जाएगी -7.5 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय 2 करेंगे। अच्छा इसमें इन्होंने बताया हुआ है रेडियस ऑफ एट, और उसको हमने कहाँ प्लेस किया, एक बार यू को लिया है -10 सेंटीमीटर ए पार्ट में, ठीक है, और दूसरे पार्ट में बी पार्ट में हमने क्या लिया है -5 सेंटीमीटर यू को, मींस प्लेसिंग ऑब्जेक्ट को। डिटरमाइन द केसेस, अच्छा हमें बताना है कि इमेज हमारी कैसी बनेगी मैग्नीफाइड। देखो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं कॉनकेव का। कॉनकेव की हमारी फोकल लेंथ इज एट 7.5 एंड रेडियस इज एट 15, एक बार ऑब्जेक्ट को मैं रख रही हूं यहां 5 सेंटीमीटर, इमेज कैसी बनेगी, पोल और फोकस के बीच में है, तो वर्चुअल बनेगी एंड इरेक्ट, इस केस में बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, बड़ी बनेगी, है ना।
अब आ जाते हैं इधर 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा, यहाँ कहीं, मीन्स फोकस और सी के बीच में. फोकस और सी के बीच में जब हम रखते हैं तो हमारी इमेज नीचे बनती है, जो बनती है रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड. तो रियल बनेगी, इन्वर्टेड होगी एंड एनलार्ज्ड होगी. अब हम ऑप्शंस चेक करते हैं. When image is placed at 5 cm, अब इसमें पूछा है कि किस केस में इमेज मैग्निफाइड बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट. तो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्निफाइड किस में बन रही है, 5 सेंटीमीटर केस में. तो ए इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ हमें गिवन है. कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स के केस में हम फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेते हैं. इन कॉन्टेक्ट विद अ फोकल लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर. अच्छा, ये तो हो गया कॉन्वेक्स की, और दूसरा है कॉनकेव की. कॉनकेव की है -40 सेंटीमीटर. ऑल्सो फाइंड द करेक्ट लेंस सिस्टम. बेटा एक मिनट, इस क्वेश्चन को हम दोबारा से रिपीट करते हैं और समझते हैं दोबारा से लाइन बाय लाइन. फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर इन कॉन्टैक्ट विद अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर. ऑल्सो फाइंड द करेक्ट लेंस सिस्टम. हमें दो फोकल लेंस दी हैं, ये है कॉन्वेक्स की और ये है हमारी कॉन्केव की, ये बोला है इसमें. ठीक है, अब क्या किया है, इन दोनों को हमने मिला दिया. मिलाने का जो फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ का, वो होता है 1/f+1. दोनों की फोकल लेंथ को हमने सम कर दिया. जो हमारी फाइनल फोकल लेंथ आ रही है वो क्या आएगी, ये यही पूछना चाह रहा है ना. करंट लेंस सिस्टम की कितनी होगी, तो 1/f. f1 कितनी है, 1/50, और f2 -1/40. बेटा साइन कन्वेंशन बिल्कुल मिस नहीं करना है. तो इसका एलसीएम हमारा हो गया 200. तो 4 - 5, तो f आ गया -200 सेंटीमीटर. अब 200 तो फोकल लेंथ आ गई, और नेगेटिव साइन क्या सजेस्ट कर रहा है कि ये कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर हमारा क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है या डाइवर्जिंग मिरर होता है. कॉनकेव हमारा डाइवर्जिंग लेंस होता है. ये बेटा लेंस चल रहा था, सॉरी मिरर नहीं चल रहे थे, ये लेंस चल रहे थे. तो डाइवर्जिंग लेंस होता है. मिरर और लेंस के केसेस दोनों अलग होते हैं. यहाँ पे इसको मिरर नहीं था, ये लेंस था. तो ये लेंस की फोकल लेंथ आई. अगर यही मिरर होता तो यहाँ पे हम कौन सा मिरर लेते, यहाँ पे हमारा मिरर होता कौन सा, उस केस में हमारा मिरर चेंज हो जाता. अब देखो मैं एक चीज और बता देती हूँ कन्फ्यूजन दूर करने के लिए. हमारा एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है लेंस, राइट. ऐसे ही हमारा होता है कॉन्वेक्स मिरर और लेंस. अब जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें सारे पैरामीटर नेगेटिव होते हैं, और कॉनकेव लेंस में पैरामीटर उल्टे हो जाते हैं, पॉजिटिव. इसमें नेगेटिव और इसमें नेगेटिव, सॉरी इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव, इनमें नेगेटिव, बट इनके नेचर अलग हो जाते हैं. जो कॉनकेव मिरर होता है वो हमारा कन्वर्जिंग होता है. तो इसका कन्वर्जिंग इसमें चला जाता है, ये डाइवर्जिंग होता है, तो इसका डाइवर्जिंग इधर चला जाता है. तो जो हमारी वैल्यू आई है लेंस में आई है नेगेटिव. लेंस के केस में नेगेटिव वैल्यू किस कॉनकेव की, लेंस में हो गई कॉनकेव, और वो हो गया हमारे पास डाइवर्जिंग. तो 200 सेंटीमीटर डाइवर्जिंग लेंस.